पिछले 4 सालों से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने वाले योगी आदित्यनाथ के दिन पलटने वाले हैं। जल्द ही उत्तर प्रदेश के शासन और राजनीति में बड़े फेरबदल देखने को मिलेगा। भले ही योगी का पत्ता साफ ना किया जाए, लेकिन उनके पर कतरने की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। लखनऊ पहुंचे बीजेपी के बड़े नेताओं ने यह संकेत दिया है कि देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इन तमाम हलचलों और खबरों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी एक क्षत्र राज का अंत होने वाला है। फिलहाल के माहौल में इस सवाल का जवाब है हाँ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए सीएम ने पीएम से गुहार लगाई है। वो केवल मुख्यमंत्री बने रहने के लिए दूसरे सभी विभाग त्यागने या यूं कहें मंत्रियों को देने को तैयार हैं। सत्ता के गलियारों में यहां खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ का असर कम होने के साथ पूर्व आईएएस एके शर्मा का कद बढ़ेगा और उनकी ताजपोशी होगी, उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। योगी सरकार के साथ साथ संगठन में बदलाव की तैयारी भी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश बीजेपी की कमान थमाई जा सकती है। बीजेपी नेतृत्व के शीर्ष स्तर की रविवार को लंबी बैठक के बाद बनी रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार में सत्ता केंद्र को विकेंद्रित करने, संगठन को सरकार के समानांतर शक्ति संपन्न बनाने का फैसला किया गया है। बीते सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए अरविंद कुमार शर्मा की तारीफ की। अरविंद कुमार शर्मा पीएम के बेहद खास माने जाते हैं। उन्हें यूपी में एमएलसी बनाया गया, उसके बाद से उन्हें यूपी में बड़ा पद दिए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। पीएम की तारीफ के बाद एके शर्मा को दिल्ली बुलाया गया। यहां पीएम से उनकी मुलाकात हुई। वापस आने के बाद एके शर्मा योगी से मिले। उसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे। लगातार संगठन और बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। इधर अब यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अचानक मध्य प्रदेश का दौरा रद्द करके वापस आ जाने पर अब कयास और तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज है। मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का दौरा रद्द करके यूपी लौट आई है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मीटिंग भी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में योगी सरकार की जमकर वजूहत हुई। जनता के साथ साथ अपनों यानी कि सरकार के विधायक, सांसद और मंत्रियों तक ने सरकार की कार्यशैली देखते हुए मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश में 3 मंत्रियों के निधन के बाद यह पद खाली है। यही नहीं, चर्चा है कि मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। बता दें कि योगी कैबिनेट में इस समय 53 मंत्री हैं। इसमें 23 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री और 21 राज्य मंत्री हैं। माना जा रहा है कि 60 तक हो सकती है योगी के मंत्रियों की संख्या। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव समर को देखते हुए क्या मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी या सिर्फ खाली पदों पर ही किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। सूत्रों का कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर प्रदेश संगठन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर अधिकार संपन्न किया जा सकता है। बैठक में प्रदेश संगठन में फेरबदल करने और राज्य की नौकरशाही के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए विधान परिषद सदस्य अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में लेकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने पर सहमति बनी। बताया जा रहा है मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कामकाज पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मौजूदा स्थितियों में उनके कामकाज को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि जिस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं में लगातार असंतोष बढ़ रहा है, उसे देखते हुए प्रदेश संगठन में बदलाव की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में बदलाव की सुगबुगाहट से सीएम और उनके चहेते अफसरों के तेवर में नरम पड़ गई है। योगी सरकार के हनक में पत्रकारों को खबरों के लिए डराने धमकाने वाले अफसर मौन हो गए हैं। कोविड की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को मुआवजे की घोषणा की जा रही है।
सत्ता के गलियारों से संपादकों को साधने की कोशिश की जा रही है। कोविड मैनेजमेंट में प्रदेश सरकार की छिछाले दर के बाद योगी अब इस जिले में उस जिले भटकने को मजबूर है।